लार्ज डोजेज में इंक्रीजिंग डोजेज में, में. कि तो इसके वजह से क्या होता है आर्टिफिशियली वो प्रोड्यूस हो जाता है हमारे बॉडी में और ये कहाँ से आ रहा है सोर्स क्या है इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट ठीक है एग्जाम्पल दिए गए हैं बाय द अब्यूज ऑफ कोरोसिव सप्लीमेंट मर्क्यूरियल ऑइंटमेंट नाइट्रेट ऑफ सिल्वर आयोडीन इट्स ऑइंटमेंट ओपीएम वैलेरियन, ये जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये सब इसका कॉज है जैसे सिंकोना बार्क ये सब ऐसे हम लोग सोच सकते हैं कि ये तो हम लोग भी यूज करते हैं लेकिन इसका डोज पे हमारा मिनिमम डोज सिंगल डोज ये सब होता है पर यहाँ क्या है लार्जर इंक्रीजिंग डोज तो इसलिए ये हार्मफुल होता है आगे है फॉक्स एसिड एसिड सल्फर एंड सल्फ्यूरिक पेरिनियल एटॉन्स एटसेट्रा ये जो मेथड था वो किसका था का मेथड था ये भी पड़ा होगा तो इसकी वजह से क्या होता है बॉडी में आर्टिफिशियली डिजीज प्रोड्यूस हो जाती है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है दैट्स आर्टिफिशियली क्रॉनिक डिजीज कहते हैं आगे बढ़ते हैं

वो स्ट्रगल करता है वो फाइट करता है कि ठीक है इस आर्टिफिशियली डिजीज़ जो प्रोड्यूस हो गई है तो कर नहीं पाता फर्स्ट ऑफ ऑल और उसके बदले में उसको क्या करना पड़ता है बॉडी को डरेंजमेंट जो होती है ना वो मैक्स टू मैक्स कर देता है वो वाइटल फोर्स उसको नहीं झेल पाता ठीक है तो उसका बस एक ही मोट होता है कि लाइफ जो बॉडी जो ह्यूमन बीइंग है ना उसकी बॉडी बस खाली लिविंग मोड में रहनी चाहिए बाकी मैक्स टू मैक्स अगर डिटोरिएशन भी हो जाए वो कर देगा बिकॉज उसको वापस क्योर करने के लिए बॉडी को तो लिविंग तोड़ में ही रहना पड़ेगा ठीक है तो इन सच अ वे दैट इन ऑर्डर टू मेंटेन द लाइफ अगेंस्ट दीज एनिमिकल एंड डिस्ट्रक्टिव अटैक्स इट मस्ट प्रोड्यूस अ प्रोड्यूसोल्यूशन इन द ऑर्गेनिज्म एंड दर्गेनिज्मिप्राइव सम पार्ट ऑफ इट्स इरिटेबिलिटी एंड सेंसिबिलिटी ठीक है आगे है और टू एन एक्सेसिव डिग्री इतने डिग्री तक चला जाता है इंटीरियर एक्सटीरियर इंटीरियर एंड इंटरनल एक्सटीरियर इन द स्किन एटसेट्रा ट्रिपल द बॉडी इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन ऑर्डर टू प्रिजर्व दर्गेनिज्मीमेट मोटो क्या है इसका अल्टीमेटली कि आपका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ नहीं करना है उसको प्रिवेंट करना है इसके लिए बाकी हर हद ये पार कर सकता है कि भाई आपका सरफेस इंटी एक्सटीरियर एंड इंटीरियर सब सब डिस्ट्रक्ट हो जाएगा बस खाली लाइफ को रखना है ठीक है हॉस्टाइल एसऑल्स ऑफ सच डिस्ट्रक्टिव फोर्स सच डिस्ट्रक्टिव फोर्स क्या है ये एलोपैथिक का जो ट्रीटमेंट है लार्ज इंक्रीजिंग डोजेस का यही इसका डिस्ट्रक्टिव फोर्स है तो यहाँ पर बस यही बताइए वाइटल फोर्स क्या करता है वो वीक हो जाता है वो इतने एक्सटेंट तक गिर जाता है कि ये कुछ नहीं कर पाता है बस खाली लाइफ को लिविंग मोड में रखने के लिए लाइफ को रखने के लिए बस वो स्ट्रगल कर रहा होता है बाकी सारे बॉडी के पार्ट सारे डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं ठीक है अब इफ द पेशेंट सकम्स द प्रैक्टिस ऑफ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन दीज इंटरनल ऑर्गेनिक डिस्फिगरमेंट विच आर ड्यू टू हिस्सूडो आर्ट इसका मतलब क्या है अगर आर्टिफिशिय क्रॉनिक डिजीज हो गया है तो इसका अल्टीमेटली क्या होता है पेशेंट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जो, जो, जो खराब हो जाती है उसको वो कहते हैं दिस इज द कॉज ऑफ द डेथ पेशेंट पर एक्चुअली में क्या होता है कि वो कॉज होता नहीं है कॉज उसके पहले हुआ होता है और वो इफेक्ट होता है ठीक है तो यहाँ पे लिखा है विच आर ड्यू टू हिस्सूडो आर्ट और ये कैसे बन जाता है वो कॉज जो बोलते हैं वो वो लोग की वजह से होता है ना बट विच ही आर्टफुली द ओरिजिनल इनक्योरेबल डिजीज और वो आर्टफुली वो क्या होता है वो लोग इसको टैकल करते हैं कि और वो बोलते हैं कि नहीं ये तो यही कॉज है पर वो इनक्योरेबल डिजीज होती है और वो कभी भी वो क्योर नहीं हो सकती क्योंकि वो उनका वायलेंट हिरोइन मेडिसिन का प्रोलॉन्ग यूज कर रहे होते हैं Those deceitful records, the illustrated works on the pathological anatomy, exhibit the product of such lamentable bungling. इसका मतलब बस यही है कि ये सो ये जो सारे artfully ये लोग tackle करते हैं सारी चीजों को और कहते हैं कि ये cause वगैरह

इसमें है कि दीज इनरोल्स ऑन ह्यूमन हेल्थ इफ़ेक्टेड बाय द एलोपैथिक नॉन हीलिंग आर्ट मोर पर्टिकुलरली इन रीसेंट टाइम्स आर ऑफ ऑल क्रॉनिक डिजीजेस द मोस्ट डिप्लोरेबल द मोस्ट इनक्युरेबल इसका क्या मतलब है कि आज के रीसेंट टाइम में पर्टिकुलरली अभी के टाइम पे ये देखा जा रहा है कि जो भी ह्यूमन हेल्थ बैड इफेक्ट हो रहा है, effect हो रहा है, हो रहा है और ये फाइनली क्या हो रहा है मोस्ट डिप्लोरेबल एंड द मोस्ट इनक्योरेबल साबित हो रहा है बिल्कुल भी क्योर नहीं कर सकते हैं इसको इसका अल्टीमेटली फेट क्या हो रहा है कि वो क्योर नहीं हो रहा है थीके? वो हार्मफुल है द मोस्ट हार्मफुल मोस्ट इनक्योरेबल रिटर्न नहीं आता and i regret to add that it is apparently impossible to discover or to hit upon any remedies for the cure when they have reached any considerable height yahan par hamilton sir ne bola hai ki i regret to it hai na yahan par regret wali baat aa jati hai kyu aa rahi hai because ye ek aise height pe pahunch jata hai human health human का जो health है इतना disease condition में है, उसका disease condition ऐसे height पे pahunch जाता है कि wahan से उसको वापस लाना to the cure पूरा cure करना is very impossible okay it is impossible because ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फेस पहुंच जाता है so, यहीं पर इन्होंने रिग्रेट किया कि ये बहुत ज़्यादा एलोपैथिक आर्ट का बैड इफेक्ट हो जाता है ठीक है एफोरिज्म नंबर सेवेंटी सिक्स इसमें बताया है ट्रीटमेंट अच्छा इसमें है कि अगर हम लोग तो क्योर नहीं कर सकते पर कर क्या है सकते हैं एक्चुअली में है ना ट्रीटमेंट है तो बोला जा रहा है कि Only for natural diseases has the beneficent DT granted us in homeopathy the means of affording relief. तो जो हमारे DT हैं, जो हमारे God हैं, उन्होंने हमें एक special ये advantage दिया है कि from with the help of homeopathy हम लोग only natural disease को बहुत अच्छे से relief दे रवा सकते हैं। बट अगर आगे का क्या लाइन है बट दोस डिवोस्टेशंस एंड वेमिंग्स ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म एक्सटीरियर इंटीरियरली अफेक्टेड बाय इयर्स फ्रीक्वेंटली ऑफ द अनस्पिनिंग एक्सरसाइज ऑफ अ फॉल्स आर्ट विद इट्स हर्टफुल ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट मस्ट बी रेमेडीड बाय वाइटल फोर्स इटसेल्फ इन्होंने बोला कि पर अगर यही इफेक्ट uh, हो जाए बॉडी में इफेक्ट हो जाए वही एलोपैथिक ट्रीटमेंट से तो जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो अपने आप हील नहीं होगी ठीक नहीं होगी वो किससे होगी वाइटल फोर्स से होगी ठीक है और कब होगी ब्रैकेट के बाद पढ़ते हैं

लास्ट लाइन क्या लिखा है ह्यूमन हीलिंग आर्ट फॉर द रिस्टोरेशन टू द नॉर्मल स्टेट ऑफ दोज इननumerable अबनॉर्मल कंडीशंस सो ऑफन प्रोड्यूस्ड बाय एलोपैथिक नॉन हीलिंग आर्ट देयर इज नॉट एंड कैन नॉट बी इसका मतलब है कि जो ह्यूमन बॉडी है अगर वो एक बार खराब हो जाती है एक बार डिजीज कंडीशन में आ जाती है स्पेशली बाय नॉन हीलिंग आर्ट के हेल्प से ना सीडो आर्ट की वजह से फॉल्स आर्ट की वजह से ये एलोपैथिक जो नॉन हीलिंग इेशनल आर्ट है ना इसका तो इसके हेल्प से अगर बॉडी डिजीज कंडीशन में पहुंच गई तो वहां से उसको रीस्टोर करना है ना नॉर्मल स्टेट में बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है बहुत ही मुश्किल है ठीक है और वो नहीं हो सकता देर इज नॉट एंड केन नॉट बी ओके तो यही मीनिंग है सो so, समझ में आ गया आई होप इट इज क्लियर सो सेवेंटी फोर एंड 76 ये इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने कवर कर दिया है और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड सो so, और ई भी कर सकते हैं मैं इस ई मेल पर सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में